अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इलाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको यावदूदू का अमल बताएंगे। ये बहुत ही आसान सा अमल है। सिर्फ 40 मरतबा यावदूदू पढ़ने से इंशाल्लाह ताला आप जिसके दिल में चाहे मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। आपने एक चुटकी नमक ले लेना है। मैं वजीफे को वीडियो को लंबा नहीं करता ताकि इसके फ़ज़ाइल और इसके बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इस वजीफे के बारे में बताऊं कि इसकी पावर कितनी है और इसका असर कितनी तेज़ी से होता है ये मैं नहीं बताता, ये आप मुझे ख़ुद बताएंगे। तो चलते हैं वजीफे की तरफ। आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद, जब आप असर की नमाज पढ़ चुके हों, उस वक्त आपने इस अमल को करना है। अमल बताने से पहले आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने इजाज़त ले लें तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके साथ हमारा एक आपका हमारे साथ एक रूहानी ताल्लुक हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ रबते में आप हमारे चैनल के ज़रिए रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपको अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे, आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है, आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं वजीफे की तरफ। आपने घर में जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो एक चुटकी नमक ले लेना है और नमक लेकर अपने पास रख लेना है। जब असर की नमाज आप पढ़ चुके हों, अव्वल आखिर एक एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद 40 मरतबा आपने उस नमक पर यावदूदू 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 ये अल्लाह का इस्म पढ़ना है। 40 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर आखिर में दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। अगर एक एक मरतबा पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 7-7 मरतबा पढ़ लें तो ये सबसे ज़्यादा अफजल होगा, बेहतर होगा। और उसके बाद आपने पढ़ने के बाद आपने 12 मरतबा अपने शोहर का नाम लेना है जिसके दिल में आपने मोहब्बत पैदा करना चाहती है। अगर शोहर है तो वो बीवी का नाम लेगा, ऐसे के जैसे मिसाल के तौर पे कोई जैद है, जैद बिन जैनब या जैद बिन मरियम, इस तरीके से उसके नाम के बाद जिसका भी है, मतलब जिस अगर बीवी है तो वो अपने शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहती है तो वो उसके नाम के बाद बिन लगाएगा। अगर भी शोर है तो वो अपनी बीवी के नाम के बाद उसके माँ का नाम लेने से पहले बिनते लगाएगा। तो 12 मरतबा आपने नाम लेना होगा। उसके बाद आपने 5 मिनट तक वहीं बैठे हुए जैसे जिस तरीके से आप उसको अपने ताबे करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं कि वो आपकी फरमा बरदार हो जाए या वो आपका फरमा बरदार हो जाए, उसी तसव्वुर से पुख्ता तसव्वुर करके अपने दिमाग में सोचते रहना है कि वो ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। इंशाल्लाह ताला इस वजीफे को एक ही बार करने से आपका वो ये असर जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा। अगर नहीं होता तो आप इससे अगले जुम्मे फिर इस वजीफे को कर लें और वो नमक जो आपने दम किया है वो अपने घर में आप इस्तेमाल करें। अगर शोर को करवा दें तो ये बेहतर है, शोर बीवी को करवा दें तो ये उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, किसी भी किस्म का मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इस वजह से वीडियो बहुत कम अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता फरमाए और आप तमाम अहबाब को भी सलामत रख।